हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 जनवरी दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 2023 में कोरोना के बाद दूसरा सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा सुपर बग को लेकर। और वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी भी जारी की है कि साल भर में ये सुपर बग बैक्टीरिया 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। दरअसल सुपर बग एक बैक्टीरिया है, जिस तरह से कोरोना एक वायरस है ना, उस तरह से सुपर बग एक बैक्टीरिया है। और अमेरिका में इंसानों के बीच ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा फैल रहा है। अमेरिका में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मौजूदा वक्त में इस सुपर बग के चलते दुनिया भर में हर साल 13 लाख लोगों की जान जा रही है। लोसेंट की स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सुपर बग पर एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाएं भी असर नहीं करती है। ऐसे में जल्द ही सुपर बग को लेकर भी वैज्ञानिक नई वैक्सीन बनाने की तैयारी में है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको ऑफिस केबिन जैसी शांति मिलेगी। दरअसल सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को और ज्यादा एडवांस और लग्जरी बनाने जा रही है। अगले 2 साल में 115 ट्रेन बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 75 चेयर कार और 40 स्लीपर भी होंगी। वैसे देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत अब छत्तीसगढ़ में भी चल सकती है। बिलासपुर से नागपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वंदे भारत चलेगी। 11 दिसंबर से ये पटरी पर आ सकती है। इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। अच्छा भाई, राजधानी दिल्ली में नववर्ष के दिन 1 जनवरी के दिन जो शराब के नशे में कुछ लोग एक स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मार देते हैं और वो लड़की उनकी कार के नीचे फंस जाती है। उसको 12 किलोमीटर तक वो घसीटते रहते हैं। उस लड़की की बड़ी बेरहमी से जान चली गई और अब इस मामले को लेकर देश भर में बड़ा विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि आरोपियों को फांसी दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया कार सवार 5 युवकों को। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में लड़की को कार से घसीटने के मामले में सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तुरंत इस मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपे पुलिस। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी 16 कारें। और इन कारों में होंडा कंपनी की 5 कारें, महिंद्रा की 3, हुंडई और स्कोडा की 2-2 कारें शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर के 16 लगभग इस तरह के कारों के मॉडल हैं जिनको 1 अप्रैल 2023 के बाद कंपनियां डिसकंटिन्यू कर देगी। ज्यादातर डीजल कारें बंद करने जा रही है कंपनियां। और इसमें कौन कौन से मॉडल शामिल हैं जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही कि मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी में पिछले 2 साल में भारत में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिले। पिछले महीने दिसंबर में पीएमआई बढ़कर 57.8 हुआ, जो कि नवंबर में 55.7 था। यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, देश में रोजगार पैदा होंगे, देश की इकोनॉमी जीडीपी में ग्रोथ होगी, राइट। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया मेक फॉर ग्लोबल विजन का भी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, डेटा आ रहा है कि भारत से 45,000 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन का निर्यात हुआ। यानी भारत हजारों करोड़ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया में दूसरे देशों को, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है। और साल 2023 के लिए मोदी सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। और देखिए दोस्तों, द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भी एक आर्टिकल छापा गया कल ही कि एप्पल सप्लायर्स क्रिएटेड 50,000 डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया। और एक आर्टिकल में लिखा कि पीएम 2023 विजन इज मोबाइल फोन एक्सपोर्ट ऑफ ₹1,00,000 करोड़। तो डेटा कहते हैं दोस्तों कि एप्पल कंपनी के आईफोन भी अब भारत में बनना शुरू हो गए ना, तो इससे भी हजारों लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल रही है। और यहाँ तक कि आईफोन के बाद अब एप्पल कंपनी भारत में मैकबुक और आईपैड का भी जल्द ही प्रोडक्शन शुरू करेगी। और सरकार भी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। और इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ज्यादातर एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स आईफोन वगैरह ये चीन में बनते हैं, लेकिन अब भारत में बनना शुरू हो गए हैं। तो ये ऑल ओवर भारत के विकास को लेकर अच्छी बातें हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हेल्थ को लेकर बड़ी रिसर्च सामने आ रही है कि साल 2040 तक दुनिया में ग्लूकोमा के 11 करोड़ मरीज होंगे। ग्लूकोमा मतलब इसे हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, जिससे आंखों की जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, नजर कमजोर हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि तनाव से आंखों की सेहत खराब हो रही है। तनाव मतलब टेंशन। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि बिना वजह दुनियादारी की फोकट की बातों की टेंशन स्ट्रेस अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। हालिया एक रिसर्च में ये आंकड़े आए कि 2040 तक मोतियाबिंद मरीजों की संख्या बढ़कर 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इसके अलावा 7 से 8 घंटा अच्छी नींद जरूर लें, क्योंकि नींद की कमी से भी ग्लूकोमा का जोखिम 11% बढ़ जाता है ना। अगला अपडेट देखिए, महासभा ने 2023 के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। साल 2023 का बजट 2022 के बजट से $3.122 बिलियन से ज्यादा होगा। दरअसल डीबीएस बैंक की राधिका राव ने ये उम्मीद जताई कि सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाकर 9.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती है बजट 2023 में। और वैसे इस महीने की 31 तारीख से बजट का सेशन शुरू हो जाएगा, जो कि 6 अप्रैल को खत्म होगा बजट सत्र, और 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। खबर आ रही कि भारत का इंटरनेट उद्योग भी 2030 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो भी एक अच्छी बात है। हालांकि दोस्तों, दुनिया भर में मंदी को लेकर IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड क्रिस्टीना की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि साल 2023 में मंदी में होगी 1/3 दुनिया। और इसकी वजह बनेंगे चीन, अमेरिका और यूरोप, जहां अभी कोरोना महामारी बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है। यानी कि दोस्तों, इस साल 2023 में दुनिया का हर तीसरा शख्स मंदी का शिकार होगा। IMF चीफ ने ये भी चेतावनी दी है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन को 2023 तक एक कठिन शुरुआत का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीन काफी
ज्यादा स्लो हो गया। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए। आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को नए साल में बड़ा झटका लगा है। लोन लेना अब महंगा होगा। दरअसल कल ही तो आपको बताऊंगा पीएनबी की तरफ से सेविंग अकाउंट और एफडी वगैरह की ब्याज दरें बढ़ाई गई थी। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इसके बाद पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक ने लोन की एमसीएलआर में भी बढ़ोतरी कर दी है। आईसीआईसीआई ने एमसीएलआर में 0.25% की बढ़ोतरी की है और पंजाब नेशनल बैंक ने 0.20 से 0.40% तक की बढ़ोतरी की है। यानी कि अब आईसीआईसीआई और पीएनबी से कुल मिलाकर के लोन लेना महंगा होगा। कितनी रेटें बढ़ जाएगी तो इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। वैसे दोस्तों जनवरी के महीने में श्री राम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से एफडी की ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की गई है। 9.36% तक ब्याज दे रही है फाइनेंस कंपनी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस तेज होगा। इरडा लागू करने जा रहा है एक नया नियम और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इंश्योरेंस का जो बीमा क्लेम होता ना वो अब आसानी से हो जाएगा। इरडा का कहना कि केवाईसी को लेकर कंपलसरी रूल लागू कर दिया 2023 में और इससे लोगों को इंश्योरेंस क्लेम पाने में आसानी होगी। अच्छा, वही खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। देखिए, पीवी सिंधु सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। पिछले साल 58 करोड़ रुपए कमाए, फोर्ब्स की सूची में 25 में से 12वां स्थान पाया। मेनी कांग्रेट्स इनको। अच्छा, वही बॉलीवुड से खबर देखिए। गांधी घोट से एक युद्ध फिल्म का टीजर आउट हो चुका है। पिता राजकुमार संतोषी की फिल्म से डेब्यू करेंगी बेटी तनिषा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 पर यह फिल्म रिलीज होगी। गांधी घोट से एक युद्ध नाम से यह फिल्म आएगी जिसमें आपको महात्मा गांधी की जीवनी देखने को मिलेगी और साथ ही नाथूराम गोडसे और गांधी के बीच विचारों का युद्ध भी आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक नया प्लान बनाया है और उन्होंने कहा कि साल 2025 तक दिल्ली में 80% सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी जिनमें पैनिक बटन, जीपीएस और कैमरे सब कुछ लगे होंगे। 10,000 से ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर 80% बसें इलेक्ट्रिक होंगी 2025 तक, है ना। वही देखिए, नेशनल की तरह अब स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग सुविधा शुरू होने जा रही है। राजस्थान में जयपुर भीलवाड़ा और सीकर लुहारू हाईवे से इसकी शुरुआत होगी। साल के आखिरी तक 8 हाईवे फास्टैग से जुड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश में 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल होने जा रही है। लगभग राज्य के 70,000 बिजली कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, इनको परमानेंट करना, इंश्योरेंस समेत 5 मांगे हैं बिजली कर्मचारियों की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और इन मांगों को लेकर ही मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी 9 जनवरी से बड़ी हड़ताल करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, साल 2023 में दुनिया के 5 बड़े स्पेस मिशन देखने को मिलेंगे। पहली बार 1,00,000 किलो का यान अमेरिका भेजेगा स्पेस में इस साल 2023 में। वहीं जापान के 8 लोग चंद्रमा पर भी जाएंगे। काफी सालों बाद वापस इंसान चंद्रमा की धरती पर कदम रखेंगे। अच्छा, वही देखिए, हरियाणा में अब हवा में उगेगी सब्जियां। वर्टिकल फार्मिंग हो रही लोकप्रिय है। खर्च ज्यादा लेकिन प्रोडक्शन 4 गुना अधिक है। इनके लिए न मिट्टी चाहिए न जमीन चाहिए। इस तरह की खेती की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही राजस्थान में कल एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई थी। सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पलट गए थे। उसमें 24 यात्री घायल हो गए और इस घटना के बाद 12 ट्रेनें डायवर्ट भी रही। हालांकि गनीमत रही कि इस बड़े हादसे में भी किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। वहीं देखिए, डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही बताया। और साल 2016 से सरकार के नोटबंदी के फैसले के विरोध में जितने भी याचिकाएं दायर हुई थी उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और फाइनली सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है नोटबंदी पर। लगभग 58 याचिकाएं दायर थी इस मामले को लेकर, सभी को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया जिनमें से 4 जज सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराए। लेकिन एक जजेज का यह कहना है कि सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और नोटबंदी को जिस तरह से लागू किया वो कानूनन सही नहीं है। लेकिन 5 में से 4 जज सहमत रहे और फाइनली बहुमत के आधार पर फैसला तय हो चुका है कि सरकार के द्वारा नोटबंदी का फैसला सही था। क्योंकि 5 जजों में से 4 जजों का यह कहना है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी तो उससे पहले ही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया और इस आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। हालांकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के 5 बड़े कारण गिनाए जिसमें सरकार ने कहा कि इन वजहों से 500 और 1000 के नोटों को बंद किया। वो 5 कारण कौन कौन से जिनमें आप देख सकते हैं, काले धन को खत्म करना, देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। ये कुछ 5 रीजन थे जिनकी वजह से सरकार ने नोटबंदी लागू की। तो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है इस पर और अब ये मामला क्लोज हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अगला अपडेट देखिए, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का जहां एक्सीडेंट हुआ उस रोड की कुछ तस्वीरें आ रही देख सकते हैं आप। इसकी मरम्मत कर दी गई है, गड्ढों को भर दिया और जहां ब्लैक स्पॉट थे वहां साइन बोर्ड और टीले के पास रेडियम इंडिकेटर भी लगाए गए। मतलब देखिए, इतनी बड़ी घटना के बाद अब प्रशासन संभल रहा है और ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के समय उनकी सहायता करने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर जो थे उनको सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी बोले कि 26 जनवरी को इनको सम्मान देंगे। ऋषभ पंत की जान बचाई थी इन्होंने। जब पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था तो कार में आग लग गई थी तो पंत को जलती कार से इन्होंने बाहर निकाला था। अच्छा, वही देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे बिहार के जीविका मॉडल की कहानी। चीफ सेक्रेटरी बताएंगे प्रीपेड मीटर ने कैसे बदली बिजली कंपनियों की तस्वीर। दरअसल देश भर के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन होने जा रहा, 5 से 7 जनवरी तक दिल्ली में यह सम्मेलन होगा और इसमें पीएम मोदी इस संबंध में बातचीत करेंगे। मदरसों को लेकर देखिए,
असम सरकार का बड़ा फैसला कि मदरसों के बाद उनके शिक्षकों पर भी सख्ती होगी। अब असम में बाहर से आकर पढ़ाने वाले मदरसों की पुलिस जांच होगी, यानी कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा और समय समय पर मदरसा शिक्षकों को थाने में हाजिरी भी लगानी होगी। ये असम सरकार का बड़ा फैसला है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी मदरसों में जल्द ही इसी सत्र 2023 से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी, जिनमें विज्ञान और गणित के साथ साथ कई और आधुनिक शिक्षा के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। अच्छा, वही झारखंड में जैन तीर्थ स्थल मामले को लेकर अपडेट आ रहा है कि धर्म स्थल को लेकर नाराज जैन समाज। राज्यपाल ने केंद्र सरकार को कुछ बातें भी लिखी इस संबंध में। वही देखिए, सरकार का एक बड़ा फैसला, घटिया सामानों के आयात पर लगेगी रोक। एयर कूलर, साइकिल समेत 16 तरह के प्रोडक्ट्स पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू होगा। बोतल बंद पानी और भी कई तरह के बिजली के सामान, खाना पकाने के उत्पाद और बर्तन, लगभग इस तरह के 16 तरह के प्रोडक्ट्स पर ड्राफ्ट कंट्रोल ऑर्डर जारी हो चुके हैं और 15 जनवरी तक QCOs के ड्राफ्ट पर सरकार ने राय भी मांगी है। तब तक आप राय दे सकते हैं। और अब इस तरह के सभी प्रोडक्ट पर BIS मार्क होना जरूरी होगा। भारतीय मानक ब्यूरो मार्क नहीं होगा तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट को बाजार से आउट किया जाएगा, है ना। और वही देखिए खबर, 30 जनवरी को खत्म होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर श्रीनगर में फहराएंगे तिरंगा अपनी अंतिम यात्रा के दिन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नववर्ष के दिन हुए हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि और सरकारी नौकरी मिलेगी। LG मनोज सिन्हा की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका पर 4 जनवरी को कल होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्र भी 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। बढ़ती ठंड के कारण सरकार ने फैसला लिया, स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया। वैसे पंजाब में एक और नया नियम देखिए आप, विजिलेंस अफसर अब नहीं पहनेंगे जींस और टी शर्ट। पंजाब सरकार ने ऑफिशियल ड्यूटी के समय इस तरह की ड्रेस पहनने पर पाबंदी लगा दी है। फॉर्मल ड्रेस ही पहननी होगी। अब हर रैंक के अधिकारियों को ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही प्रवेश करना होगा। ये नया नियम पंजाब में लागू हो चुका है। अच्छा दोस्तों, कुछ इंटरनेशनल खबरें देखिए आप। कनाडा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे विदेशी नागरिक, 2 साल तक इस पर बैन लग चुका है। और इससे मतलब जो भारतीय लोग कनाडा में रह रहे हैं ना, उनको भी बड़ा झटका लगेगा क्योंकि वो वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। कनाडा सरकार की तरफ से नए साल के मौके पर अगले 2 साल तक के लिए कनाडा देश में विदेशी लोगों के लिए प्रॉपर्टी, जमीन, प्लॉट, मकान वगैरह ये खरीदने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी। वही अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही कि न्यूयॉर्क में 1 महीने में डेड बॉडी बन जाएगी खाद। लिटरली मतलब लोगों के शवों की खाद बनाई जाएगी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ह्यूमन कंपोस्टिंग की इजाजत भी दे दी है। दांत और हड्डियां भी मिट्टी बन जाएंगे। इस तरह के केमिकल्स ह्यूमन की बॉडी पर लगाए जाएंगे। इंसानों के मृत शरीर को लेकर न्यूयॉर्क सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। और इसके अलावा अपडेट आ रहा है दोस्तों कि सऊदी अरब की महिलाएं अब बुलेट ट्रेन भी चलाएंगी। मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कितना अच्छा फैसला है। 32 महिलाओं का पहला बैच ट्रेनिंग के बाद तैयार हो चुका है। मक्का और मदीना के बीच पहली परीक्षा भी होगी। अच्छा, इसके अलावा दुबई में खुलेआम मिलेगी शराब। इसके लिए आपको 30% टैक्स भी नहीं देने होगा, यहाँ तक कि लाइसेंसिंग फीस को भी खत्म कर दिया है ना। तो ये कुछ अंतरराष्ट्रीय अपडेट आ रहे हैं। और अगला अपडेट आ रहा मार्केट से। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने 9 जनवरी को अपने निवेशकों को डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। स्टॉक मार्केट से एक और अपडेट आ रहा कि ड्रोन स्टार्टअप IPO में 10 दिन में पैसा डबल हो गया। ड्रोन आचार्य का 54 रुपए का शेयर अभी 107 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टार्टअप में निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला है। अगला अपडेट आ रहा कि अनिवार्य जूट पैकेजिंग की सरकार ने आखिरी तारीख यानी कि डेडलाइन को बढ़ा दिया है। कंपनियों के लिए राहत की बात है। इस तारीख को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के कोरोना अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में COVID-19 के कुछ नए नियम लागू होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और वहां कोरोना की स्थितियों का जायजा भी लिया। वैसे भारत में कोरोना को लेकर राहत की खबर आई कि कोरोना अब खत्म होने के कगार पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान 200 से भी कम नए मामले सामने आए। मात्र 173 कोरोना के नए मरीज आए 24 घंटों में, जबकि 2 लोगों की मौत हुई। और अच्छी बात यह कि एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामलों की संख्या भी 2500 के लगभग रह चुकी है। अभी 2670 एक्टिव केस चल रहे कोरोना के भारत में। हालांकि दुनिया भर में कोरोना का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। देखिए, कल ही चीन में 22 साल के एक इंडियन की भी मौत हो गई कोरोना के चलते, और चीनी नागरिक ने खुदकुशी भी कर ली बढ़ते कोरोना के चलते। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के 3 नए केस आए। 1 जनवरी को गौतम बुद्ध नगर में 2 और गाजियाबाद में 1 मरीज मिला। एक्टिव केस की संख्या 51 हुई। हालांकि दोस्तों, चीन में कोरोना का कहर इतना ज्यादा अभी बढ़ा हुआ कि मार्केट एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि 23 जनवरी तक हालात ये होंगे कि 25,000 मरीजों की रोजाना मौतें होंगी। तो ये कुछ देश दुनिया में कोरोना का माहौल चल रहा। और चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं साथ के साथ। अगले 3 दिन रहेगी कोहरे की मार। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अच्छा, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी पारा माइनस से नीचे चल रहा है। दिल्ली में भी अलर्ट है। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। यूपी राजस्थान समेत 4 राज्यों के कई स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। राजस्थान में भी शीतलहर की चेतावनी। अगले 5 दिनों तक 12 जिलों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश भोपाल में देखिए सबसे घना कोहरा देखा गया देश में। दूसरे नंबर पर रहा फोग के मामले में। कई सारी फ्लाइट्स भी डाइवर्ट हुई। 5 और 6 जनवरी को मध्य प्रदेश में बारिश और ओले गिरने की चेतावनी भी है। पंजाब में भी कड़ाके की सर्दी का अलर्ट। अमृतसर में विजिबिलिटी 0, दोआबा और माझा धुंध की चपेट में है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड देखी गई। घने कोहरे के चलते कई सारी फ्लाइट्स भी डाइवर्ट रही। और संपूर्ण भारत का आज 3 जनवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी
उत्तरी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। कुछ जगहों पर शीतलहर की चेतावनी भी है, देख सकते हैं आप जानकारी। वैसे सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डाले दोस्तों, तो 55,000 के पार निकल चुका सोना अभी, और चांदी 68,500 के पार पहुंच चुकी है। सोने का रेट 55,113 चल रहा, चांदी 68,527 प्रति किलोग्राम चल रही है। और चलिए अब अपन देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक नया अपडेट आ रहा है कि व्हाट्सएप पर अब आपको 3 नहीं बल्कि 5 चैट्स को पिन करने का फीचर मिलेगा। वहीं साल 2023 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा, इलेक्ट्रिक वाहन पर अब आपको छूट मिलेगी। दरअसल यूपी में सरकार ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी है, और इसके तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर अब आपको 10,000 से लेकर 20,000 30,000 तक की अलग अलग डिस्काउंट ऑफर करेगी सरकार। वैसे यूपी की बात हो रही तो कुछ और अपडेट देखिए आप यूपी न्यूज से जुड़े। नए साल 2023 में मिलेगा विद्यार्थियों को एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज का तोहफा, 18 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले के कायमगंज तहसील के कुर्रार में दूसरा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम चालू हो चुका है। वहीं देखिए गोरखपुर में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, सीएसआर फंड से करीब 700 करोड़ रुपए खर्च करेगी दक्षिण भारतीय कंपनी। वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट, 130 हेक्टेयर भूमि पर सोभरी शहर वन बनाया जा रहा है, जहां आपको अलग अलग तरह की हरियाली प्राकृतिक देखने को मिलेगी। वहीं वाराणसी शहर में अब ई बसें चलेंगी, बंद होगा डीजल बसों का संचालन, दो जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने वाराणसी में डीजल बसों को बंद करने का फैसला किया और इनकी जगह ई बसें चलाई जाएंगी। अच्छा, अलीगढ़ जिले को 41 नई रोडवेज बसों की सौगात मिली है, लोगों को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ यूपी के अपडेट चल रहे हैं। अच्छा अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में, देखिए अनाथ बच्चों को सरकार का तोहफा, हायर एजुकेशन के लिए फंड बनेगा, और जो बच्चे अनाथ हैं उनको हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार। इसको लेकर कल ही मतलब विधायकों के पहले महीने के वेतन की कटौती करके इन बच्चों के लिए योजना में फंड जारी किया जाएगा, इसको लेकर घोषणा की थी, मैंने आपको बताया था, राइट। अच्छा मैं देखिए राजस्थान में ट्राइबल स्टूडेंट के लिए बनेगा अत्याधुनिक हॉस्टल, मुख्यमंत्री ने 14,80,00,000 रुपए इसको लेकर स्वीकृत भी कर दिए हैं। राजस्थान उदयपुर चित्रकूट नगर में ये हॉस्टल बनाया जाएगा। लखनऊ में IIM रोड से कानपुर रोड बाईपास के बीच एक फ्लाईओवर बनेगा, लोगों को जाम से निजात मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सोलन में लंपी वायरस को कंट्रोल करने के लिए 10 जनवरी तक 1,00,000 गोवंश का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 4 फरवरी तक कॉलेज बंद, 12 फरवरी तक स्कूलों में छुट्टियां। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का निर्देश, मार्च में होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, कर बैठे रिवीजन करें। मध्य प्रदेश में इस वर्ष शुरू होगी भोपाल में बनी देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी भी। अच्छा वही घोषणा के मुताबिक नया साल शुरू होते ही कई सारी कार कंपनियां अपनी कारों की रेटें बढ़ा चुकी हैं, 50,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कई मॉडल्स की रेटें। हरियाणा में SYL मुद्दा को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार अब आगे आई, 4 जनवरी को मध्यस्थता के लिए दिल्ली जाएंगे पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस संबंध में मीटिंग लेंगे। SYL का मतलब है सतलुज यमुना लिंक परियोजना जो है उसको लेकर मीटिंग होगी। राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे पर 16 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, राजस्थान हाईकोर्ट का कहना है कि अनिश्चितकालीन के लिए लंबित नहीं रख सकते हैं मामला। अच्छा देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य में सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा, किसानों को भी बंपर फायदा होगा। PPP मॉडल पर बना देश का पहला एथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया बड़ा एथेनॉल प्लांट, और यहां पर अब एथेनॉल बनाया जाएगा जो कि पेट्रोल डीजल के ईंधन के विकल्प के रूप में काम में लिया जा सकेगा, है ना। वहीं देखिए दुनिया भर में 11,000 करोड़ के पार हुई अवतार 2 फिल्म की कमाई, $2 बिलियन पार्क से बस कुछ ही दूरी पर है। अच्छा पाकिस्तान में कल ही एक अनोखी घटना देखी गई, देखिए आप क्रिकेट स्टेडियम में पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अभी काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। पाकिस्तान के पास इतना भी फंड नहीं है कि वो एग्जाम हॉल में कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एग्जाम कंडक्ट करा सके, और इसीलिए क्रिकेट स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लगभग 30,000 कैंडिडेट्स 1167 पुलिस भर्ती वैकेंसी के लिए एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा राजस्थान में पेयजल उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है, अब आपके नल के बिल में आपको छूट मिलेगी भुगतान में, अगर आपने काफी समय से नल का बिल जमा नहीं कराया तो भी अभी आपको मौका मिल रहा है, बिना पेनल्टी या बिना ब्याज के आप अपना नल का बिल जमा करा सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक के जो बकाया पानी बिल है ना उनको लेकर ब्याज में छूट दी है गहलोत सरकार ने। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नए नियमों का भी ड्राफ्ट जारी कर दिया और अगले महीने तक इसको लेकर न्यू रूल्स आ सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो भी नए नियम अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार का वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जनरल किस सेना का एक आधिकारिक पद है, तीनों ऑप्शन देता हूँ आपको, थल सेना, वायु सेना या जल सेना, विच इज राइट ऑप्शन A, B या C, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।